नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे आप कहीं भी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या फिर कहीं आपकी नौकरी लग चुकी है, आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपको आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या आप कोई सरकारी केंद्र लेना चाहते हैं जैसे सीएससी पॉइंट लेना चाहते हैं, सीएससी बैंकिंग लेना चाहते हैं, आधार सेंटर लेना चाहते हैं, वहां भी पहले आपसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि उससे जहां भी हम जाते हैं जॉब करने या कोई सेंटर लेते हैं तो उससे वेरीफाई होता है कि हम एक्चुअल इस पते पर रहते हैं, हमारा पता है वो सही है, पुलिस द्वारा वेरीफाइड होता है। तो इस ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन करने के लिए हमें सिर्फ ₹50 का चार्ज लगता है। पूरी प्रोसेस में आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे हमें ऑनलाइन करना है अपने मोबाइल से ही। जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं, सिर्फ ₹50 का चार्ज आपको लगने वाला है। तो इस वीडियो में अब लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसकी क्या प्रोसेस होगी। तो जैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद फीस सबमिट करने के बाद आपके घर पे 3 से 4 दिन में एक जो भी आपका नजदीकी थाना होगा, चौकी होगी, कोतवाली जो भी है, वहां से एक ऑफिसर आपके घर पे आएगा। पुलिस का अधिकारी कोई भी आ सकता है या सिपाही आ सकते हैं। तो जब भी वो ऑफिसर आएंगे आपके यहाँ पे तो आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एक आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक आप अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपके प्रधान का जो चरित्र प्रमाण पत्र मांगेंगे, आपके प्रधान के लेटर पैड पे, या फिर आप शहर से हैं तो आपके सभासद का मांगेंगे, या फिर आप अपने विधायक का बनवा सकते हैं। तो वो जब चरित्र सर्टिफिकेट वो लेके चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं प्रधान का या विधायक का या सभासद का, वो ओरिजिनल कॉपी और आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी, उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद वो SSP के लिए सेंड कर देते हैं। वहां से आपका 10 से 12 दिन में आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी रही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की, कैसे क्या हमें मिलता है सर्टिफिकेट। अब आगे बात करते हैं हम कि सर्टिफिकेट जो है हमें कैसे ऑनलाइन करना होगा अपने मोबाइल से। तो चलिए दोस्तों हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने मोबाइल की तरफ पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन मोबाइल की दिखाई देगी, सेम ऐसी ही प्रोसेस आपको करनी है और अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर देना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा, फिर हमें सर्च बॉक्स में लिखना होगा यूपी कॉप। तो यूपी कॉप लिख के आप इस तरह की ऐप आएगी, इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए जैसे कि हमने कर लिया है। अब सिंपली हमें इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम सर्विस पे जाएंगे, सबसे पहले सर्विस पे जाने के बाद हम पेड सर्विस पे जाएंगे। पेड सर्विस पे क्लिक करने के बाद हम करेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम करेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो वही हमारा फर्स्ट पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले अपने को रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपली अपना नाम और यहाँ जेंडर जो भी है आपका और मोबाइल नंबर, ठीक, ये मोबाइल नंबर ही आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड कोई भी आप अपना चूज करके, और यहाँ हम गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे जो मोबाइल नंबर हम डालेंगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल के हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों, हम लॉगिन हो गए हैं। अब लॉगिन होने के बाद हमें हमारे पास सबसे पैसा जो इंटरफेस आएगा सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पेड सर्विस पे जाना होगा। पेड सर्विस पे जाने के बाद करेक्टर सर्टिफिकेट पे जाना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके हम यहाँ सिंपली अपना नाम जैसे हम भर लेते जो भी रिलेटिव का नाम डालना होगा, या आपके पास लास्ट नाम नहीं है तो आई डू नॉट हैव लास्ट नेम पे टिक कर सकते हैं। रिलेशन में डालना होगा जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे फादर्स नेम, यहाँ किस पर्पस के लिए आप बनवाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस जो भी आप बनवाना चाहते हैं वहाँ चूज कर लीजिए। जैसे हम प्राइवेट सर्विस कर लेते हैं। पर्पस फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस यहाँ आपने डाल दीजिए। जैसे हम CSC के लिए बनवाना चाहते हैं तो CSC बैंकिंग डाल सकते हैं, या आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या वो भी जो वहाँ जिसके लिए बनवा चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मोड रिसीविंग ऑनलाइन ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जेंडर अपना चूज कर लीजिए, मेल, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम चूज कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हम यहाँ से ईयर जो भी ले सकते हैं आप, ओके, ठीक है। यहाँ आप अपना आपको फोटो अपलोड करना होगा, फिर एक अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, अपलोड एड्रेस प्रूफ, यहाँ तीनों ही आपको अपलोड करने होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा सकते हैं। तो जैसे मैं लगा देते हैं।
अब जैसे कि दोस्तों हमने तीनों चीज़ चूज़ कर ली हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने बच्चे का फोटो लगा दिया, आप कभी मत करिए ऐसा, ठीक है? और मैं क्योंकि इसे फाइनल सबमिट नहीं करूँगा। आइडेंटिटी प्रूफ में मैंने अपना आधार कार्ड ब्लर करके लगा दिया है और नीचे एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड लगा दिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे विलेज जो भी है आपका वो डाल सकते हैं, या आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं शहर का डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो भी आप रखना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है? और आप कितनी साल के हैं वो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। परमानेंट एड्रेस यहाँ टिक कर देंगे, नीचे बढ़ेंगे हम, ठीक है? ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हैज़ बी ट्रू, यहाँ पे टिक करने के बाद सब सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर का वेट करके आपको ये ले जाएगा पेमेंट वाले पेज पे, वहाँ हम 50 रुपये का पेमेंट करेंगे और हमारा ऑनलाइन ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म। आप देख सकते हैं हमें ये रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिल चुका है। रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे ही आप अपने जो करेक्ट सर्टिफिकेट है इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब हमें ये पेमेंट की तरफ ले जा रहा है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है, मेक पेमेंट ऊपर लिख के आ गया है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आप पेमेंट जिससे भी काटना चाहते हैं उससे 50 रुपये पेमेंट काट के आप भीम ऐप से और पेटीएम से या किसी से भी कार्ड से आप काटना चाहते हैं वहाँ पेमेंट काट के आप यहाँ इसको डन कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन करने के बाद सर्टिफिकेट का स्टेटस जानने के लिए कि हमारा सर्टिफिकेट कहाँ है, कितने दिन में मिलेगा, इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर सर्विस टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ करेक्ट सर्टिफिकेट पे जाएंगे, ईयर 2020 जो भी है आपके रहने देंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे ये हमने किए थे तो ये है जो आपका ऑनलाइन हो गया है, हमें 14 तारीख तक मिल जाएगा। जो मैंने पहले किया था कंप्लीट है, पेमेंट कंप्लीट है, पुलिस स्टेशन द्वारा सत्यापित किया गया है, एसएसपी के यहाँ लंबित है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ जब भी हमारा ये फाइनल हो जाएगा सबमिट फाइनल बन के आ जाएगा तो यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है आपको तो वीडियो नीचे कमेंट करिए, उसमें आप अपना प्रॉब्लम लिखिए, मैं जल्दी कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइए, इच्छा हो रही तो चैनल सब्सक्राइब भी करके जाइए।